नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल यूपीएससी टीवी में। आज हम आपके बीच रवि कुमार सिहाग जी के कॉपी का अगला आंसर लेकर आए हैं। इससे पहले का आंसर हम लोगों ने डाल दिया है, आप वहां से वीडियो से जाके देख लीजिए। आज ये अगला आंसर है, 10वां आंसर है। ये रवि कुमार सिहाग जी का आंसर है। इन्होंने 317 माने 317वीं रैंक प्राप्त की है। और आइए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं कि भारत के चुनावी व्यवस्था में एक उम्मीदवार एक सीट का फार्मूला अपनाना लोकतांत्रिक सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण कारक सिद्ध हो सकता है। इस कथन का परीक्षण कीजिए। 200 शब्दों में लिखना है, 12.5 नंबर का क्वेश्चन है। तो इन्होंने कहा, देखिए पहले इन्होंने कुछ लिखा था कि हाल में नीति आयोग, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अनेक बयानों में, तो इसको इन्होंने काट दिया है। देखिए इन्होंने क्या लिखा है आगे कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 13(7) के अनुसार एक उम्मीदवार चाहे वह लोकसभा या विधानसभा का हो, दो सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। वस्तुतः इस व्यवस्था में दो से अधिक सीटों का प्रावधान था, किंतु बाद में संशोधन कर इसे दो सीटों तक सीमित कर दिया गया। परंतु हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा एक उम्मीदवार एक सीट तक सीमित करने का अनुरोध किया गया है, जिसके कारण निम्न है। मूलतः यह व्यवस्था लोकतांत्रिक चुनाव राजनीति के विरुद्ध है, क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव में एक सीट के लिए जहाँ एक ही उम्मीदवार का चुनाव होता है, तो एक से अधिक सीटों से चुनाव लड़ने का औचित्य नहीं बनता। अन्य देशों में जैसे ब्रिटेन में एक सीट है तो एक उम्मीदवार की व्यवस्था है। यह व्यवस्था जहां एक और उपचुनावों में होने वाले धन और समय के व्यय का कारण है, वहीं मतदाताओं की मूल भावनाओं पर कुठाराघात भी है। तो इस व्यवस्था को समाप्त करने के लाभ क्या क्या होंगे, देखिए उन्होंने बताया है। इसका पहला लाभ क्या होगा, धन और समय की बचत होगी। दूसरा लाभ क्या होगा, मतदाताओं की भावना की चुकी अनुरूप होगा। तीसरा लाभ क्या होगा कि पार्टीवादी राजनीति पर अंकुश लगेगा, क्योंकि देखने में आया है कि सीट छोड़ने पर दूसरा प्रतिनिधि उसी दल का ही विजयी होता है। तीसरा क्या होगा कि इसके अन्य सुझाव देखिए इन्होंने कुछ दिए हैं कि चुनाव पहला सुझाव दिया है कि चुनाव आयोग के अनुसार यदि कोई व्यक्ति दो सीटों पर चुनाव लड़ता है तो उसे जमानत राशि हेतु 10 लाख रुपए, विधान लोकसभा के लिए और विधानसभा के लिए 5 लाख रुपए जमा करनी होगी, ताकि उपचुनावों में इस राशि का उपयोग किया जा सके। दूसरा ऑप्शन इन्होंने क्या दिया है कि विधि आयोग भी इस व्यवस्था को समाप्त करने का सुझाव दे चुका है। अतः चुनावों के सुधार व लोकतांत्रिक सशक्तिकरण में इस व्यवस्था को समाप्ति एक प्रभावी कदम सिद्ध होगा। दोस्तों, आपको रवि सिहाग जी की कॉपी का आंसर कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। ऐसे ही आंसर्स के लिए हमारे साथ जुड़िए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।